पिछले दिनों तो जो चीन और भारत के विचकार डिस्प्यूट चल रहा है इस दे उपर तरह तरह दी खबरां सामने आ रही ने। उन्हां विच कितना ना कितने सिखां नूं अते सिखां दी बहादुरी नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ एक दो चैनल्स द्वारा ही सिखां द्वारा इस झड़प के पिछे दिखाई गई बहादुरी का जिक्र किया गया। एक अमृतधारी सिंह की भी खबर सामने आई थी जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश श्री साहिब के नाल चीनिया का मुकाबला किया सी ते अपनी जान भी बचाई सी। इस बारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लुधियाना के मैंबर भाई गुरजन सिंह जी ने भी अपने विचार पेश किए हैं जो तुसी इस वीडियो दे विच सुन सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ मैं अफसोस है इस हिंदुस्तान के उन्हां लोकां ते इस हिंदुस्तान की उस सरकार ते इस हिंदुस्तान के उस सरकारी तंत्र ते खास तौर पर इस हिंदुस्तान के उस मीडिया से जिहड़ा सिखां दी बहादुरी नूं नशर कर लिया बहुत वड्डी शर्मंदा। असी देखते हैं कि पिछले दिन जो चाइना के बार्डर से जो कुछ वापरिया दस्या जा रहा जिवें कि बिहार की रेजिमेंट के नाल थोड़े लोग सी उन्हां दे नाल चीन के जिहड़े सिपाही सी उन्होंने बहुत बड़ा धक्का किया ते उहदी सपोर्ट दे विच जिहड़ी पिछे जिहड़ी सिख रेजिमेंट गई जिहड़ी गल नूं लुकाया गया अज जिहड़ी है एवीपी ने जिहड़ा नशर किया कि यह गल दसण विच क्यों शर्म आ रही है जदों कि यह गल सबूत हो गई है कि सिख रेजिमेंट जी दे चार नौजवान शहीद भी होए ने। उस सिख रेजिमेंट ने दस्या गया कि डंडिया नाल ते बटा दे नाल ते हथों पाई करके जिहड़े चीना दे चीन दे सैनिकां नूं जिहड़ा पाणी पिया ते खास तौर ते उहनां दे इक अफसर नूं चुक के लिआंदा जिहदे मुआवजे विच हिंदुस्तान दे 10 फौजी जिहड़े आ उह वापस आए गए। की इह साडे लई शर्म वाली गल नहीं? की आ इत्थों दा मीडिया जां इत्थों दा सरकारी तंत्र इह गल दसण विच नाकामयाब है? उहनूं इस गल लई शर्म क्यों आ रही आ कि हिंदुस्तान के बार्डर से सिखा ने जिहड़ा बहुत बड़ा कारनामा करके इस हिंदुस्तान की जिवें कहते हुए बेइज्जती उन्होंने सिरे से पहुँचाया तो उस 10 फौजी जिहड़े चीन लै गया सी उन्हां तों खो के उन्हूं मुआवजे मिले ने।